जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कुछ ऐसा फीचर है जो सैमसंग के M सीरीज के फोन्स के अंदर तो है लेकिन नॉर्मल यूजर्स उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसा फीचर मैं दिखाने वाला हूँ और ये फीचर आपको नॉर्मली अपने फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा या फिर कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगा। तो उन्हीं सब फीचर को मैं यहाँ पर एक्सेस करने वाला हूँ और क्योंकि ये सब फीचर सेटिंग्स के अंदर नहीं है इसलिए मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज़ करूँगा और इस एप्लीकेशन का साइज़ है 250 KB सिर्फ, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेसिकली आपके फ़ोन के हिडन फीचर का एक्सेस को प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या फीचर है जो आपके फ़ोन के अंदर ही है लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आप अपने रिस्क पर यूज़ कीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स है जिसको अगर आप यूज़ करने जाओगे तो हो सकता है आपके फ़ोन मतलब ख़राब हो जाए। तो मैं जो सेटिंग्स दिखाऊंगा सिर्फ उन्हीं सेटिंग्स को आप यूज़ करना। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या फीचर है। और सबसे पहला फीचर है, मतलब बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन पर कि सैमसंग M21 के अंदर वीडियो एनहांसर का ऑप्शन है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि ये ऑप्शन है, M21 ही नहीं M सीरीज के लगभग सभी फ़ोन्स के अंदर ये ऑप्शन मिल जाता है। और इस ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगा लोड होने में, और लोडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है वीडियो एनहांसर, और सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसी का ऑप्शन मिल जाता है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग्स ओपन हो चुका है, और मैं बता दूं कि ये सेटिंग्स आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको सिंपली इसको टर्न ऑन कर लेना है और नीचे आप देख सकते हो सभी मतलब जो वीडियो प्लेयर है, जैसे यहाँ पर यूट्यूब भी है, नेटफ्लिक्स है और MX प्लेयर, जितने भी वीडियो प्लेयर है सभी प्लेयर यहाँ पर शो कर रहा है। आप वन बाई वन सभी को एनेबल या फिर डिसेबल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसके बाद जब एनेबल कर दोगे तो कोई भी वीडियो आप प्ले करने जाओगे YouTube, Netflix, मतलब कहीं से भी, तो वीडियो का जो क्वालिटी है वो मतलब AI के थ्रू एनहांस हो जाएगा, आपको एक बढ़िया क्वालिटी का वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यही सेटिंग्स है, और जो लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि M21 में है कि नहीं, तो आई होप आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पर अगला जो फीचर मैंने नोटिस किया ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, और ये फीचर उतना काम का नहीं है बट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को भी मतलब मज़ा आ जाएगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर सर्च करोगे मोशन स्मूथनेस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो रिफ्रेश रेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, और नीचे दो ऑप्शन है स्टैंडर्ड और हाई का। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर 60Hz लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं हाई पर क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इन लोगों ने इस ऑप्शन को दिया है, बट जो सैमसंग M21 का डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले पैनल है, वो 60Hz तक सपोर्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पर हाई सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो आप अपने मोबाइल पर ट्राई करके देखो ये सिलेक्ट होता है कि नहीं, और अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। तो यहाँ पर अगला जो फीचर है ये है RCS सेटिंग्स, और ये फीचर 3.0 अपडेट के बाद आया था, और बहुत से लोग मुझे कमेंट पर बोल रहे थे कि उन लोगों के फ़ोन में अपडेट के बाद भी ये फीचर शो नहीं कर रहा है, मतलब ये सेटिंग्स शो नहीं कर रहा। तो सिंपली आपको ये करना है कि इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है और सर्च करना है RCS, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि RCS का एक सेटिंग्स है, और इसी के अंदर जो एडवांस कॉलिंग एंड मैसेजिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है। यही बेसिकली RCS का सेटिंग्स है। अगर आप इस सेटिंग्स को एनेबल कर देते हो तो बेसिकली यहाँ से ही आप RCS फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैमसंग के M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स पर ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐप लॉक का जो फीचर है वो आपके फ़ोन में इनबिल्ट है, मतलब हिडन है। तो इस फीचर को एक्सेस करने के लिए इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको मिल जाएगा ऐप लॉक का ऑप्शन। इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप लॉक का एक्सेस मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको सिंपली इसको एनेबल कर देना है, उसके बाद पैटर्न या फिर पासवर्ड जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको ऐप सिलेक्ट करना है। तो इसका फुल प्रोसेस मैंने एक वीडियो पर दिखा दिया है कैसे इसको सेटअप करना है, अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो, और मैं यहां पर नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आप अपने फ़ोन के नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको मतलब 2G ओनली, 3G ओनली या फिर 3G/4G ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन वहां पर LTE ओनली का ऑप्शन नहीं मिलता। बहुत से लोगों के फ़ोन में नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है और वो लोग चाहते हैं कि 4G पर फिक्स रहे नेटवर्क, तो उसके लिए LTE ओनली का ऑप्शन रहना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा इसी के अंदर, और सबसे नीचे से मतलब 14th नंबर ऑप्शन जो रहेगा आप लोग काउंट करके देखना 14th नंबर कौन सा आता है, तो जो ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब LTE ओनली बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है यहाँ पर,
और आप यहाँ पर LTE ऑल को सिलेक्ट कर सकते हो, इससे आपका फ़ोन का नेटवर्क फ्लक्चुएट नहीं करेगा, 4G पर फिक्स हो जाएगा। और उसके अलावा इसी के अंदर आपको ऊपर 3 बार ऑप्शन मिल जाता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैंड सिलेक्शन का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली ये सैमसंग बैंड सिलेक्शन का जो एप्लीकेशन है वही है, उसके अंदर जो भी चीज़ आप करते हो इसके अंदर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बैंड सिलेक्शन के अंदर आप अपने सिम के अकॉर्डिंग बैंड को सिलेक्ट कर सकते हो और आपको मतलब एक बेटर क्वालिटी का नेटवर्क मिल जाएगा। और आप में से जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है कि इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो इससे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो मुझे कमेंट पर कुछ लोग बोल रहे थे कि सैमसंग के फ़ोन पर अगर हम ईयरफोन को प्लग इन करते हैं तो ऊपर ईयरफोन का कोई मतलब सिंबल नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सर्च करना है सिस्टम UI, और सिस्टम UI सिस्टम UI डेमो, और यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा इस पर क्लिक करना है। और इसी के अंदर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टेटस बार का, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब इन सभी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो स्टेटस बार पर ये शो करेगा। और ऊपर से जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इस हेडसेट का, इसको आपको इनेबल कर देना है। तो मैं यहाँ पर इनेबल करने के बाद दिखा देता हूँ कि ये शो करता है कि नहीं, और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं प्लग इन कर रहा हूँ। और प्लग इन करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करोगे तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ईयरफोन का सिंबल शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप ईयरफोन का सिंबल अपने फ़ोन पर शो करवा सकते हो। तो यही एक सिंपल सा सेटिंग्स था जो आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन मिल गया होगा। तो यहाँ पर अगला फीचर एक्सेसिबिलिटी के अंदर है, मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एकदम आखिर में एक ऑप्शन मिल जाएगा वेव टू टर्न ऑन स्क्रीन का। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ डेमो शो कर रहा है कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को वेकअप कर सकते हो। तो ऑनेस्टली बता दूं कि मेरे फ़ोन में ये काम नहीं कर रहा, तो आप ट्राई करके देखो, और अगर आपके फ़ोन में काम करे तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। तो यही कुछ ऑप्शन है जो आपके फ़ोन में हिडन है लेकिन आप इस एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। और अगर मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर और भी कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।